आई डोंट थिंक सो, ये पहले किसी ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि तकरीबन 2 साल के बाद मुझे अभी तक अपने कोल्ड कॉफी के करियर में सबसे अच्छी कोल्ड कॉफी निक बेकर की लगती थी। ब्राउन मुंडे ईटिंग ब्लैक बर्गर, अलग सही बर्गर। हमारे घर में इतना अच्छा शेफ रखा हुआ है भैया, इतना बढ़िया शेफ है। देखो ऐसा सब कर जैसा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी शर्मा। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। आज का चीट डे उस जगह पे उन्होंने, जो मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था, थैंक्स टू कार्तिक, वो मुझे यहाँ पे लेके आया। उसने बताया इस जगह के बारे में। सो जिस जगह पे हम आए उसका नाम है अंकल जैक्स। सारी चीजें एक तरफ, हमारे चैनल की शान। थैंक यू भाई की कोल्ड कॉफी। हम आए हैं अंकल जैक्स अपोस्ट्रोफी एस, ग्रेटर क्लास 2 में है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स टू कार्तिक भाई, इधर दिखाओ। तो भाई साहब ने हमें बताया इस जगह के बारे में। भाई कैसे, अकेला आया था या गर्लफ्रेंड? नहीं, अरे सबके सामने नहीं बताऊंगा। दो चीजें हैं जो मैंने तो आज तक लाइफ में नहीं देखी, मे भी आप लोगों ने देखी हो। पहला ये दिखा क्या है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे ना रहा नहीं जाता वीडियो के बीच में। पहले खाना है इनको, पहले तो ये फ्राइज, फ्राइज जनरली सब नॉर्मल फ्राइज होते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन है ना फ्राइज में। और दूसरा तो ये है कूलर, ये क्या फ्लेवर है कार्तिक? राजबेरी लेमनेड। तो ये पहले किसी ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। ये लेमनेड है इंजेक्टर वाला। बस यही दिक्कत है, बच्चों को ले आओ ना यहाँ पे। बिचारी के दिक्कत है, छोटे बच्चे ले आओ ना अपने साथ। सबसे पहले अपनी प्रथा स्टार्ट करते हैं और आज का चीटे कोल्ड कॉफी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग वो देखो। इस जगह आने से पहले हम लोग ना लगभग 2 साल के बाद मूवी देखने गए थिएटर में। अब कौन सी मूवी थी और हमारा कैसा एक्सपीरियंस था वो पहले देखे, और इसके बारे में बताता हूँ, वो देखो। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि तकरीबन 2 साल के बाद मैं थिएटर आया हूँ मूवी देखने। भाई ऐड अब भी आते हैं 2 साल बाद भी थिएटर में? सब वैसे ही है, वैसे ही है। भी। कैसा लग रहा है भाई 2 साल बाद? एक्साइटेड, इतना एक्साइटमेंट। आपको अंदर जाके बता दो कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग। शुरू हो गया। हम लोग देख के आए हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी। अच्छी थी, मजा आया। 2 साल के बाद मूवी देख के आया तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। जितनी मजेदार वो मूवी थी जो भी आप लोगों ने देख ली, ये भी उतनी अच्छी है। कोल्ड कॉफी नाइस। अभी ये स्टार्ट करते हैं, ये ट्राई करते हैं। ये तो बहुत बेहतरीन, ये वो अद्भुत चीज जो मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन कार्तिक ने बोली बहुत अच्छी है। नॉर्मल फ्राइज, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, बट प्रेजेंटेशन 10/10। सो अब बात ये इंजेक्शन वाली ड्रिंक की, नहीं अच्छा, मेरी वन टाइम फेवरेट कोल्ड कॉफी है। सो उसके आगे नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन अच्छा लाइक द कूलर्स। एक कलरफुल बर्गर हमने मेरे पहले के ब्लॉग में खाए थे, नेहरू लास्ट से राइट, वो जो अमित रंग वाला कहता। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, लिंक यहीं कहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो दूसरे कलरफुल बर्गर्स ये है, ब्लैक बर्गर्स कह सकते हैं इसको। इसको क्या बोल के ऑर्डर किया था? ब्राउन मुंडे ईटिंग ब्लैक बर्गर्स, और स्लाइडर्स बोला था। कैनेडीज लेग स्लाइडर्स इन वन बाइट। इतना बड़ा मुंह नहीं हो रहा है साहब। काटता है साहब। ओ चुपने काटने आ गया जो के बाद बहुत बढ़िया है। देखूंगा, पता लगूंगा। तो ये आगे मैनेजर है राणा जी। सर पहले तो मजा आ गया आपको मैं
बधाई देना चाहूंगा, आपकी जगह बहुत प्यारी है, डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी, स्पेशली बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन 10/10 है सर, टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट है, मजेदार है। हम लोग आए यहाँ पे हमारी वीडियो देखने में, तो कैसी वो कौन सी एक चीज होगी जो आप जरूर जरूर खाओ, रेकमेंड करोगे आप? वेज में ये चीजी फ्राइज इज वेरी नाइस। अच्छा, ये फ्राइज ठीक है, एंड वेज में आप ट्राई करो, वी हैव अ वेरी गुड पास्ता, पिज्जा एंड बर्गर। अच्छा, नॉन वेज के लिए चिकन सैंडविच। अच्छा, तो अगर आप नॉन वेज चिकन सैंडविच जरूर ट्राई कीजिएगा, ये तो टेस्टर टाइप है, इतना छोटे छोटे साइज है ना इनके, छोटे छोटे साइज। मस्ट ट्राई ये फ्राइड और ये बर्गर भी, मस्ट ट्राई, मजा आता। बाय द वे गाइस, इसकी हमने अभी एक रील भी बनाई है, टाइम से लग जाते हैं ना जब ब्लॉगर आते हैं, तो ये भी फोटो लो, ये एंगल भी लो, तो उसकी अभी हमने एक बहुत बेहतरीन रील बनाई है, जिसको देखने के लिए आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करो, बाय द नेम ऑफ गुनीत शर्मा ब्लॉग्स, यही कहीं दिखना होगा आपको। आप इतना प्यार मुझे मेरे यूट्यूब की वीडियोज और चैनल के लिए, तो प्लीज थोड़ा बहुत प्यार इंस्टाग्राम के लिए भी दो, तो प्लीज फॉलो गुनीत शर्मा ब्लॉग्स नाउ। एनीवन कोविशील्ड डाल दो इसमें, देखो सबसे पहले तो मैगी फुल, सूर्य अंकल जैक खाने के बाद मेरा ना बहुत ज़्यादा मीठा कुछ खाने का मन हो रहा था, बहुत टाइम से मैकफ्लरी खाने का बहुत मन था, तो अपन आए मैगी मैकफ्लरी चोको क्रंच खाने, एक हफ्ते से मैं क्रेव खाता ही खाने, ऐसे में आप लोगों को डर ही नहीं है, कोरोना वरोना भीड़ देख रहे हो कितनी है, तो तुम्हें भी तो नहीं है, हर जगह जा रहे हो, बैठा नहीं जा रहा, या तो मेरी साइड है किसकी साइड है। मुझे अभी तक अपने कोल्ड कॉफी के करियर में सबसे अच्छी कोल्ड कॉफी निक बेकर की लगती थी एंड स्टारबक्स उसके नीचे, लेकिन हमारे घर में इतना अच्छा शेफ रखा हुआ है भैया, इतना बढ़िया शेफ है जो आई गेस निक बेकर की टक्कर की उससे भी अच्छी कोल्ड कॉफी बनाती है। अरे यार वीडियो आते देखो पी रही है, हाथ हो गई यार, ये तो वो है हमारी नेहा दीदी, इतनी बेहतरीन कोल्ड कॉफी इतना गंदा एक्सप्रेशन बनाने के बाद। चीयर्स। हाय गाइस, ऐसा है तो भी इतना सारा खाना खाने के बाद थोड़ा पचाना भी तो जरूरी है, तो अभी यहाँ पे बैडमिंटन चल रहा है, एक टीम चीटिंग कर रही है, एक टीम पूरी जान लगा रही है जीतने की, ये देखो नेट फाड़ते हुए सर्विस जीजू की, मेरी कोल्ड कॉफी पच गई इतना खेला अभी। तो गेम खेलने के बाद हम लोग ऐसे ही बातें बातें कर रहे थे, अब हमें मिला ये चॉकलेट ब्राउनी और आइसक्रीम, मतलब मेरी दी जो है वो इतनी मल्टी टैलेंटेड है, स्पेशली वो इतने अलग अलग टाइप का खाना बनाते हैं ना, क्या बोलूं, ये जो ब्राउनी है ये इन्होंने बनाई है खुद, ये ब्राउनी भी आप ही ने बनाई है, अब बस रेसिपी नहीं बोलूंगा और ना ही लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगा, वरना आपके घर आ जाएंगे सारे लोग। मतलब ब्राउनी तो बनी घर पे, लेकिन उसके साथ साथ गोल्डन स्पून आता रहो, गोल्डन स्पून बहुत बढ़िया, संडे सक्सेसफुल, संडे सेट हो गया भाई मेरा।